नमस्ते दोस्तों, रंजना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही नए तरीके से आलू के पराठे बता रही हूँ। उसके लिए मैंने आलू को बॉयल करके मैश करके ले लिया है और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन को कूट कर डाला है। आप भी एक बारी मेरे कहने से हरा धनिया, हरी मिर्च, हरी लहसुन को कूट कर डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिए। अब हम हाथ में अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें बारीक प्याज भी काट के डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेन आलू से बना रही हूँ। तो आलू के पराठे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे। ये पराठा मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ। जिनको आलू के पराठे नहीं बनाने आते हैं वो भी इस मेथड से बना सकते हैं। अब हमने आटे की एक लोई ले ली है, इसको बड़ा रोटी की तरह बेल लेंगे। अब चाकू से इस पे कट लगा देंगे। अब हम इस पे आलू का मिक्सचर रख देंगे। ये देखिए मैंने भर के मिक्सर रखा है, थोड़ा सा नहीं रखा है। अब इसका ये पार्ट उठा के इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। दूसरे पार्ट को इस तरह से इसे लेयर करते हुए दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो ये हमारे आलू का तिकोना पराठा यानी कि ट्रायंगल पराठा बन गया है। अब अच्छा दिखने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल और हरे धनिया के पत्ते इस तरह से हाथ से प्रेस करके लगा देंगे। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो ये हमारा पराठा बेल गया है। ये देखिए हमारा आलू का ट्रायंगल पराठा बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब हम इसे सेक लेंगे, एक तरफ तेल लगा देंगे अच्छे से। अब हम इसे दूसरी तरफ से पलट लेंगे। फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है। अब दूसरी तरफ से भी हम ऑयल लगा देंगे। इसी तरह से हमें उलट पलट कर गोल्डन चिट्टी आने तक दोनों तरफ से पराठे को सेक लेना है। तो जो भी मेरे भाई हॉस्टल में रहते हैं, जिन्हें आलू के पराठा खाना तो पसंद है लेकिन वो बना नहीं पाते हैं, तो भी इस मेथड से आराम से बना सकते हैं। कोई भी फटने का डर नहीं रहता है। या जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं जिनको नहीं बनाने आता है, मेरे इस मेथड से कोई भी आलू का पराठा आसानी से बना सकता है और खा सकता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये देखिए कि हमारे पराठे कितने अच्छे बने हैं। तो आप भी इस तरह से आलू का पराठा जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।